हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। आई एम अनिमेश गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की। आ रहे हैं हमारा चैप्टर होगा पहला रियल नंबर्स, और उस चैप्टर का ये पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। ये जो सिलेबस चलेगा, पूरा कोर्स चलेगा मैथ का, ये टोटली सीबीएसई बेस्ड चलेगा, आईसीएसई बेस्ड नहीं है। ये केवल और केवल सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। तो ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स दो तरीके के होते हैं, पहला इंटीजर तो दूसरा डेसिमल नंबर्स। इंटीजर तीन तरीके के होते हैं हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। वहीं डेसिमल नंबर्स हमारे पास भी तीन तरीके के होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंटीजर से। इंटीजर्स में पहला पार्ट आता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में वो सभी नंबर्स जो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन तक की रेंज में आते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर। ऑल नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन कम अंडर नेगेटिव इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, माइनस सेवन, माइनस फोर्टी फोर, माइनस फाइव, माइनस नाइन्टी सिक्स, माइनस नाइन्टी एट, माइनस वन जीरो वन एटसेट्रा। नेक्स्ट जीरो, जीरो तो आप जानते हैं जीरो जीरो होता है। नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, वो सभी नंबर्स जो वन से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, वो सभी नंबर्स जो वन से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में आते हैं, उन दोनों को मिलाकर, वो सब किसके अंदर आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर। ऑल नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, यहाँ पर वन और इन्फिनिटी दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस में आएगा, जैसे कि प्लस वन और प्लस इन्फिनिटी। आप लोग जानते हैं मैथ्स में प्लस के सिंबल को लगाना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए मैंने भी नहीं लगाया। इसके एग्जांपल हैं 87, 95, 51, 54, 21, 101, 102, 103, 104 एटसेट्रा। जितने चाहे उतने ले सकते हैं आप एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं डेसिमल नंबर्स की तरफ। डेसिमल नंबर्स में पहला पार्ट है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक लास्ट में जाकर किसी ना किसी पॉइंट पे आके एंड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.8, 1.2, 2.5, 4.1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा। मतलब ये वो नंबर हैं जो कहीं ना कहीं अगर एंड होते हैं, जिनके आगे कोई डिजिट नहीं आ सकती। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नाम से पता चल रहा है ये वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, स्टॉप नहीं होते हैं, क्विट नहीं होते हैं, लेकिन आपस में ही एक दूसरे को रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि 1.414141414141 इस तरीके चलता रहेगा, 1.414141414141414141, जितना हम बोल सकते हैं उतना चलता रहेगा। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1.41, और 41 हमारा जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, तो 41 के ऊपर हमने देखिए लगा दिया छोटा सा बार, इसको बोला जाता है 1.41 बार। अब आगे बढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की तरफ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में नाम से पता चल रहा है ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना ही ये रिपीट होगा। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं कि ये खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये एंड भी नहीं होगा और ना खत्म होगा, रिपीट होगा आपस में। फॉर एग्जाम्पल 2.71828182845904234567 डॉट 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 चलता रहेगा आगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल 4.10100010000100000000, इस तरीके से एक एक जीरो बढ़ती जाएगी और ये नंबर आगे कंटिन्यूसली चलता जाएगा टिल इन्फिनिटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपना वीडियो में। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स, बिल्कुल ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब आते हैं रेशनल नंबर्स। व्हाट आर रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, वेयर जहां पर p और q दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर्स, एंड q नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये कंडीशन है हमारे पास। रेशनल नंबर्स वही होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, और p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये दो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए रेशनल नंबर होने के लिए। अब यहाँ p और q इंटीजर बताए हैं, ये नहीं बताया पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। जो भी इंटीजर होगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो सब के सब रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5/7, 15/16, 8/3, हर कोई। अब ये है एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट, 0/1 इज अ रेशनल नंबर। 0/1 क्या है? रेशनल नंबर। बट 1/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट्स अ इरेशनल नंबर।
वन अपॉन जीरो क्या है? इरेशनल नंबर, बिकॉज यहाँ पे जो कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो वो फॉल्स होती है, वो कंडीशन ब्रेक हो रही है। देखिए नीचे जो पी बाई क्यू की फॉर्म दे रखी है वन अपॉन जीरो में, वहाँ क्यू इक्वल टू जीरो आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। इसी कारण, इसी वजह से ये नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर। वन अपॉन जीरो को हम लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं जो कि इरेशनल नंबर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर वो रियल नंबर्स होते हैं जो कभी ना कभी किसी एक एंड में डिजिट के द्वारा एंड होते हैं अपने डेसिमल एक्सपेंशन में। जैसे कि अगर मैं 5 का डिवाइड 4 से करूं तो 5 का डिवाइड अगर 4 से करता हूं तो कहीं ना कहीं जाके वो एंड होगा, उसी को उन्हीं नंबर्स को बुलाया जाता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। मतलब जो कहीं ना कहीं अगर एंड होते हैं खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 0.2, 1.8, 9.982, 4.12345, 2.5826, 6.35 एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स पे। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते लेकिन रिपीट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 1.41, अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल, उसको हम 1.41 बार के हिसाब से लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल 3.384615 3। अब इसमें आप देखेंगे 384615 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है 3846153846153846153846615। तो इस रिपीटिंग नंबर को हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में? 3.384615 ऑफ 384615 के ऊपर हम क्या लगा देंगे? छोटा सा बार। इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ना तो ये टर्मिनेट होंगे और आपस में ही रिपीट होते रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। दोबारा सुनिए, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, जहां पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो डेफिनेशन हमने रेशनल नंबर्स की पढ़ी थी वही डेफिनेशन इरेशनल की है, बस इस डेफिनेशन में क्या लगाना है? एक नॉट। एज इट इज सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, पाई, माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, 0.10100100000। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल, वो सब एग्जांपल किसका है? इरेशनल नंबर्स का। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर। हर एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर कहलाता है या फिर इरेशनल नंबर होता है। फिर से सुनिए, हर एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है। ये कंफर्म है, ये फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। अंडर रूट प्राइम नंबर। कभी कभी इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सबके समझ में ये वीडियो आ चुकी होगी, टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।